असलम यू ट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट आज का कॉफी केक मैं रिक्वेस्ट पे बनाने जा रही हूँ uh, मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक रिक्वेस्ट किया है टू बी ऑनेस्ट ये एग्जैक्ट केक मैंने ट्राई नहीं किया बट आई एम प्रजेंटिंग यू विद माई वर्जन ऑफ कॉफी फ्लेवर्ड केक सो मैं ये नहीं क्लेम कर रही कि ये उस बेकरी के बिल्कुल मिलता जुलता केक है बट दिस इज़ माई वर्जन ऑफ अ कॉफ़ी केक अगर आप कॉफ़ी फ्लेवर्ड केक कोई ट्राई करना चाहते हैं सो दिस इज़ अ गुड वन सबसे पहले स्पंज तैयार कर लेते हैं उसके लिए आपको चाहिए दो कप मैदा एक बॉल के अंदर और उसी के अंदर आपने मैदे के बाद डाल लेना है अपना चीनी जो कि होनी चाहिए आ, कैस्टर शुगर वन एंड हाफ कप्स उसके साथ ही आपने एक टीस्पून सॉल्ट और टू एंड हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर के डाल के इसको मिक्स कर लेना है साथ ही ऐड कर लें आधा कप मक्खन जो कि नरम होना चाहिए दो अंडे चार टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए जो कि आपने मिला लेनी है तीन चौथाई कप नीम गरम दूध में इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको अपने मिक्सचर के अंदर डाल लें हैंड मिक्सर ऑन करने से पहले इसको थोड़ा खुद ही हाथों से हिला लें ताकि इसका जो लिक्विड है या कोई भी चीज़ें वो उड़कर बॉल से बाहर ना गिरें सो इसको आपने बेसिकली आधे मिनट से एक मिनट के लिए बस बीटर को चलाने और उससे ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना हर दफ़ा की तरह याद रखें कि मैं वीडियो नीचे के नीचे आपके साथ रिटर्न रेसिपी फुल जो है फॉर्म में आपके साथ शेयर करती हूँ उसके अंदर बेकिंग टेम्परेचर और कितनी देर के लिए आपने ओवन को बेक करना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसी सारी चीज़ें मैं बोलकर वीडियो में नहीं बताती क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और ऑब्वियसली आई नो कि आप लोगों का टाइम भी लिमिटेड है सो तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वीडियो में मैंशन कर दूँ और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऑब्वियसली वो आपके साथ मैं रिटर्न फॉर्म में शेयर कर देती हूँ आज मैंने दो सिक्स इंच पैन यूज़ की हैं राउंड उनको आपने ग्रीस कर लेना है और उसको बेक कर लें अपने ओवन में प्री हीटेड वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री सेल्सियस या फिर तीन सौ पचास डिग्री फ़ारेनहाइट पे इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ स्विस बटर क्रीम की रेसिपी शेयर की थी उस रेसिपी को आपने ले लेना है थोड़ा सा बीट कर लें अपनी क्रीम को और उसके बाद उसी क्रीम के अंदर आपने थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफ़ी और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है टू बी एग्जैक्ट मैंने इसके अंदर डेढ़ टेबल स्पून गर्म पानी और दो टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी के डाले हैं और इसको अच्छी तरह से आपने आ, क्रीम के अंदर मिक्स कर लेने हैं याद रखें इस क्रीम को आप जितना बीट करेंगे ये उतनी ही लाइट और फ्लफी बनेगी और कम हैवीनेस की फीलिंग आएगी स्पंज जब आपके ठंडे हो चुके हों बिल्कुल तो उसके बाद आपने एक स्पंज को ले कर उसको बीच में से हाफ़ कर लेना है और अब हम अपने केक को स्टैक करेंगे दूसरा केक जो हमारा बना है जो स्पंज हमारा तैयार हुआ है उसको फ़िलहाल आप साइड पर रख लें उसका बाद में आपको बताऊँगी डेकोरेशन में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि स्पंज को सॉफ्ट अगर आप चाहते हैं हो तो उसके लिए आपने उसका सिरप तैयार करना है इस केक के लिए हम सिरप तैयार कर रहे हैं हम ले, ले लेंगे आधा कप पानी उसके साथ साथ ही एक टेबल स्पून चीनी और आधा टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ये हो गया तैयार हमारा सिरप इस सिरप को आपने हर लेयर में लगाना है ताकि आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर इस कॉफी केक में आ जाए चूंकि ये बटर क्रीम केक है ये फ्रिज से अगर आप डायरेक्ट निकाल के कोशिश करेंगे सर्व करने की तो ये हार्ड होगा Uh, इसके अंदर बटर है वो बटर जैसे ही फ्रिज में जाता है आपको पता है कि वो हार्ड हो जाता है सो व्हेन यू आर अबाउट टू सर्व दिस केक इसको आपने बाहर निकाल लेना है एक से दो घंटों के लिए और रूम टेम्परेचर पर इस केक को आपने सर्व करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट केक को स्टैक करने के बाद आपने इसके ऊपर क्रम कोट करना है यानी कि एक थिन लेयर ऑफ आइसिंग ऑल राउंड द केक टॉप और साइड्स पर उसको करके आपने इसको पंद्रह से बीस मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है क आपका चिल हो जाए तो उसके बाद आपने दूसरी कोटिंग बटर क्रीम किसके ऊपर कर लेनी है और ऊपर थोड़ी सी मैंने थिक रखी बटर क्रीम वो इसलिए कि जो हमने डिज़ाइन करना है केक कॉम के साथ वो आसानी से हो जाए एंड नाउ टू मेक द क्लासिक डिज़ाइन हमने केक कॉम का इस्तेमाल किया आप चाहे तो कोई भी इस पर डेकोरेशन कर सकते हैं सिंपल डेकोरेशन कर लें और इसके बाद हमने साइडों पर इसके केक के क्रम्स का इस्तेमाल करना है जो एक हमने स्पंज इस्तेमाल नहीं किया उसको साइड पर रख लिया था उसका हाफ आप ले लें उसको क्रश कर लें और उसको हम साइडों पर अपने केक के लगा लेंगे बीच में हमने मेरशीनो चेरी ऐड कर ली है थोड़ा सा कलर और इंटरेस्ट ऐड करने के लिए हमारा छोटू सा प्यारा सा केक तैयार है आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती चलूं कि अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया और उस पर ऑल क्लिक नहीं किया तो आपकी आप तक मेरी सारी वीडियोज़ नहीं पहुँचेंगी सो so, उसमें भी ऑप्शन तो होती हैं बेल आइकन के अंडर अगर आप उसको ऑल पर क्लिक करेंगे तो तभी सिर्फ आपको मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी सो so, बर मेहरबानी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ़िज